So, hello students, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. So kids, अभी तक आप लोग कर चुके थे बेसिक थ्योरी, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ चुके थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अच्छे से आ चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी क्वेश्चन कर चुके हैं। जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता तब क्या किया जाता है, वो भी हमने कर लिया था, ओपनिंग कैपिटल निकाल के क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं एक बार आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स एज पर दियर पार्टनरशिप डीड। इज इट क्लियर? सो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर द पार्टनरशिप डीड। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट से ही कैलकुलेट करना। वेरी फर्स्ट स्टेप बच्चे गलती कर देते हैं, वो प्रॉफिट ही नहीं कैलकुलेट करते, उनको लगता है जो गिवन क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है वो सही है। व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉफिट? प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल रहा है बच्चों, जो प्रॉफिट है वो आफ्टर ऑल चार्जेस होना चाहिए। प्रॉफिट कैसे होना चाहिए? आफ्टर ऑल चार्जेस एंड बिफोर एप्रोप्रिएशन। वेयर इज स्पर्श? क्या हुआ? बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, इट मस्ट बी आफ्टर ऑल द चार्जेस एंड बिफोर द एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोप्रिएशन एंड चार्जेस। कुछ चीजें जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है बट स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, वो कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, क्योंकि रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस हमें 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ता है, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो तो ऑलरेडी लेस हो जाना चाहिए था। रेंट टू अ पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन, ये दोनों भी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेट अस सपोज आई एम योर अकाउंटेंट, आपने मेरे पास आए, आपने बोला सर, अकाउंटेंट से पूछा कि कितना प्रॉफिट हुआ फर्म के अंदर, मैंने बोला 10 लाख, मैंने बोला 10 लाख, कहते अच्छा ओके फैंटास्टिक, अब ये हमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं कहा नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि इसमें से 2 लाख मैनेजर की कमीशन है। तो बोलोगे नहीं सही बताओ भैया, जो डिस्ट्रीब्यूट होना है जो हमें मिलना है। तो डेफिनेटली अगर बिफोर दिस थिंग दिया होगा तो आप उसे क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। इज इट क्लियर? ओ एप्रोप्रिएशन कई बार दिया होता है, मैंने आपको बोला, आपने बोला प्रॉफिट कितना हुआ, मैं कहा प्रॉफिट हुआ 6 लाख, आपने कहा इतना कम, मैं कहा हाँ सैलरी दे दी थी ना आप लोगों को, आप लोगों के सैलरी अकाउंट में लेस कर दिया था। अरे सैलरी तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, पार्टनर्स को मिल रही है, वो तो डिविजिबल डिविजन ऑफ प्रॉफिट हुआ। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया 10 लाख रुपए, उसमें से 4 लाख मैंने सैलरी दे दी और ओनर को ही दे रहा हूं, तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो 10 लाख ही माना चाहिए जाना चाहिए, 4 लाख तो क्या माना जाना चाहिए? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो अगर आफ्टर दिस दिया होगा तो हम क्या करेंगे? प्लस। और बिफोर दिस दिया होगा तो हम क्या करेंगे? ये चीजें माइनस कर देते। इज इट क्लियर? सो सबसे पहले मेरे को बताओ कितना नेट प्रॉफिट हुआ मेरे को बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन। मैं लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹10 लाख आफ्टर, सॉरी आफ्टर पार्टनर सैलरी ऑफ ₹3 लाख बट बिफोर मैनेजर कमीशन ऑफ 10%। ओके एक मिनट को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं।
4,30,000 एंड मैनेजर कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये चॉकलेट क्वेश्चन है, तो जिसने सोल्ड करके बताया उसको चॉकलेट पक्का। डू इट, आई एम गिविंग यू 3 मिनट। ट्रेन, तो किड्स ये क्वेश्चन कर दिया। रिकॉर्डिंग हमने पता नहीं पहले पॉज कब करी थी, रिकॉर्ड करना भूल गया, बट ये क्वेश्चन ये वाला था, तो आई होप कॉपी कर लेना, डाउट हुआ तो पूछ लेना। अब रिकॉर्डिंग में से अचानक रुक गया था ये वाला क्वेश्चन। हो गया सबका कुशल? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कुशल। यार देखो नियति नियति साथ साथ बैठ गया, कौशल कुशल साथ साथ बैठ गया, तुम ना अपनी सीट से अलग अलग रखना ताकि जिस तरफ देख के बोलू उस तरफ पता चले किसके बारे में बात हो रही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा एंड अर्चना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2021 स्टैंडर्ड ₹70,000 एंड ₹30,000 रिस्पेक्टिवली। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च अमाउंटेड टू ₹4,800 एंड ₹3,600 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। पूजा हैज गिवन अ लोन टू द फर्म ऑन 1 नवंबर 2021 और फिर लिखा हुआ प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अबव एडजस्टमेंट, यानी कि ऊपर वाली सारी चीजें से पहले इज 80,000। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट नहीं लिखा, क्या लिखा है? 10% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी कैप्ट इन रिजर्व अकाउंट। करंट अकाउंट बैलेंस, ये थोड़े से मिसप्रिंटिंग है, ऐसे सही कर देता हूं। करंट अकाउंट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2021 वह पूजा का 5,000 क्रेडिट, अर्चना का 23,000 डेबिट। डेबिट करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन दिए हुए हमें। करंट अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं हम लोग? जब कैपिटल फिक्स्ड होता है। इवन द क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, बट इट्स ऑब्वियस करंट अकाउंट के बैलेंस दिए वो तभी अवेलेबल होंगे जब कैपिटल अकाउंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इफ कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड तो हम कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉल। बाकी सारी एंट्रीज किस पे जाएगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में कितना नेट प्रॉफिट है हमारे पास जल्दी से बताओ? अरे कितना टाइम लगाओगे? गुड, क्या माइनस करना पड़ेगा मिस कथुरिया? बोलता हूँ क्या माइनस करना पड़ेगा? पूजा ने लोन दिया हुआ फर्म को 1 नवंबर 2021 को 20,000 का। अब पूजा ने अगर लोन दिया है और हमें उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो इट वुड बी 6% पर एनम एंड इट वुड बी कंसीडर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट इटसेल्फ। क्योंकि पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हमारा बोलो? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना, सॉरी एक्यूरेट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक, इज इट क्लियर? क्लियर है पक्का? तो बाय नेट प्रॉफिट कौशल
जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो प्रॉफिट एंड लॉस का, समझा गया? ओके, जब क्लासेस अटेंड नहीं करी हो ना बच्चों ने, थोड़ा डाउट रहता है। नेट प्रॉफिट हमें गिवन दिया हुआ था बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 80,000, उसपे से लेस किया इंटरेस्ट ऑन लोन विच वुड बी 20,000 का 6% फॉर 5 मंथ। ₹500, इज इट क्लियर? सो इट वुड बी 79,500। सो नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 79,500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर है ना, पूजा अर्चना को दे रहे हैं 7,000 का एंड 3,000 का, 10,000। ड्रॉइंग्स की बंदी हुई है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कितना होगा कैलकुलेट करके बताओ। फिर से मिस्टेक करी। अच्छा अच्छा, ये चलाती है। ओके, मान लेते हैं। हाँ ठीक बताया था, बट 480 × 6/12 ऐसा बोलने वाली थी अदा। ओके, मुझे लगा बोल रही थी। तो कितना होगा, 6 मंथ का निकालना है, भूलना जाना। घर भी सोच रहा सही तो है, ये तो बोल रही थी। अरे अभी टाइम पीरियड जब गिवन नहीं दिया होगा तो कितने महीने का निकालेंगे, 6 महीने का। तो 4800 का 10% 480 फॉर 6 मंथ 240, कैलकुलेट करके दिखाओ, ये इजी है पक्का। तो इट वुड बी 420। इसके बाद टू सैलरी दे रहे किसी को? ओके, नहीं दे रहे सैलरी, अच्छी बात है। रिजर्व, अब नॉर्मली रिजर्व हम किसका क्रिएट करते हैं, नेट प्रॉफिट का, मगर यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था 10% ऑफ दिस प्रॉफिट, यानी कि जो ये 80,000 गिवन है, तो इस क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट जो रिजर्व क्रिएट करेंगे वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट नहीं करेंगे, जो हमें ये गिवन दिया हुआ था 80,000 उसके ऊपर करेंगे, क्योंकि क्लियरली मेंशन है 10% ऑफ दिस प्रॉफिट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता तो क्या लिखते, 79,500 का निकालते। इज इट क्लियर? श्योर अश्मिता पुत्र, क्लियर है आपको? जब चुपचाप बैठा होता ना बच्चा, दो चीजों का डर लगता है, या तो उसे सब समझ आ रहा है या उसे समझ नहीं आ रहा, वो अवॉइड कर रहा है। क्लियर है सारा अच्छे से? तो आंसर दे, क्लास के अंदर देना जरूरी होता है बेटा। कितना हुआ ये, 8,000। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पूजा एंड अर्चना, व्हाट इज योर प्रॉफिट शेयर रेशियो, 2:1। पार्थ, एनी डाउट? नो सर। फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। बच्चे हमने यहाँ पे इनर कॉलम में लेस करके दिखाया है। वी आर नॉट सपोज्ड टू प्रिपेयर द पीएनएल अकाउंट, प्रॉपर फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाउएवर इफ यू वांट टू प्रेजेंट, तो उसको लिखना पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, बट वो जरूरी नहीं है। एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस और एनसीईआरटी बुक्स, हम यहीं पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो डेट्स वे एक सेपरेट फॉर्मेट बना के हम टाइम क्यों
वेस्ट करें अपना. इज इट क्लियर? हमने यहाँ पे जबकि क्लियरली मेंशन कर दिया, फुल डिस्क्लोजर तो कर दिया है, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन लेस इंटरेस्ट ऑन लोन. इज इट क्लियर? पक्का? ये सही कैलकुलेट हुआ है सारा? चेक करो, कुछ मिस तो नहीं गया पॉइंट? डेसिमल में आ रहा आंसर? टू? नहीं, 10. सही आ रहा है, 206, 40 एंड 41 हो एंड 280 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. इज इट क्लियर? ये यस वाला ऐसा था या नो वाला था? कौन सा पार्ट? ये 41 to 80 और 61 to 920 को 2:1 में डिवाइड कर दिया. ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट था ना नेट, 79 920 में से 18% लेस कर दिया. क्या बात, सही करिए कैलकुलेशन, मेरे को डाउट ना किया करो. ठीक है, मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है. क्लियर है? पक्का? आप कौन सी क्लास टीचर हैं स्कूल में? वो मैं अकाउंट्स की टीचर. गुड सिमरन मैम, शी इज गुड टीचर. पेपर बहुत अच्छा. मैम, टीचर्स को हम जज किससे करते हैं? पेपर कैसा बनाती है, तो उनका पेपर अच्छा होता है, डिसेंट होता है, कंसेप्चुअल होता है, तो डेट्स वाई शी इज गुड टीचर. ये क्लियर है बच्चों? पक्का? पूछ क्या पूछ रही है? 79 920 हमारा टोटल आया था, उसमें से हमने 18% लेस कर दिया, डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. गॉट इट? अब इसका आपको क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन दिए हुए हैं, विच क्लियरली सजेस्ट कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? फिक्स्ड है. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बच्चों? दो अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट. बोलो बच्चे, है ना? बोलना, सर सर करी जा रही है. हाँ चले जाओ. आपको मैं बताऊँ, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट छोटा नहीं है, उल्टा मैंने बड़ा बना दिया है. क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही तो ट्रांजेक्शन आनी है इसमें, बाय बैलेंस ब्रोट डाउनवर्ड एंड बाय बैलेंस सॉरी टू बैलेंस कैरी डाउनवर्ड. क्यों? ना तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, ना कैपिटल विड्रॉ हुआ है, और कैपिटल फिक्स है. जब तक पार्टनर डेलिबरेटली अपना कैपिटल विड्रॉ नहीं करेंगे या इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, कैपिटल अकाउंट विल रिमेन सेम. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स पूजा अर्चना डेट पर्टिकुलर्स सिंपली 1 अप्रैल 21 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड कितना? 70,000 एंड 30,000 ऑन 31st ऑफ मार्च
22 to balance carried onward 70,000 या सॉरी यही तो है, मुझे लगा गलत लिख दिया मैंने, वो करंट अकाउंट में आएंगे 30,000। कैपिटल अकाउंट का करंट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को हिंदी में कह देते हैं चालू खाता। एक्चुअल में ये इंटेंशन जो होती है इसके पीछे होता है कि टेम्परेरी बेस पे अकाउंट बनाया गया है, जो पार्टनर्स की फर्म के साथ ट्रांजैक्शंस के बेस पे बना होता है, जो फर्म के साथ लेन देन होता है। तो ये मान के चलते हैं टेम्परेरी अकाउंट एंड पार्टनर्स वुड सेटल इट और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द पार्टनर्स वुड विड्रॉ इट, ये अज्यूम करके चला जाता है। ठीक है, अब इसको सेपरेट अकाउंट बनाने की वजह से क्या होता है, कैपिटल अकाउंट हम फिक्स मेंटेन कर सकते हैं। दिस प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग क्या करें, अगर हमारा प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो तो कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, हर बार हमारी प्रॉफिट की रेशियो बदलेगी नहीं हर साल। अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो आज जो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल है चेंज हो जाएगा। तो अगर हमारा कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नेक्स्ट रेशियो में अलग प्रॉफिट शेयर रेशियो हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखना प्रेफर्ड करते हैं। तो जितनी भी दूसरी ट्रांजेक्शन होती है वो किस पे आ जाती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, इट्स एन एसेट्स फॉर द फर्म। क्या लिखा हुआ अक्षरा का, 23,000 रुपए डेबिट बैलेंस, 23,000 रुपीज का क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस। यस और नो? अब अगर 23,000 का डेबिट बैलेंस दिया हुआ, यानी कि फर्म के लिए अर्चना असेट्स है क्योंकि उससे लेने हैं हमने। इज इट क्लियर? ये यस वाला सिर हिलाया था, नो वाला, यस वाला, ओके। पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो फर्स्ट अप्रैल को पूजा का क्रेडिट बैलेंस है बट अर्चना का डेबिट बैलेंस है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड, पूजा एंड अर्चना इसका कितना बैलेंस था, 5,000। कैपिटल कम किस किस से हो रहा है, टू ड्रॉइंग्स एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 31st March, to drawings and to interest on drawing it would be 4,800 and 3,600 and interest on drawing 240 and 180। Credit किस किस से हो रहा है, गर्भित ये रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करें या क्रेडिट करें और कैसे डिवाइड करें, करेंगे ही नहीं, हमने तो रिजर्व किया, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आएगा ये सेल। ठीक है, हमने तो रिजर्व रखा है यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, रिजर्व क्यों मेंटेन किया जाता है। जनरल दो ऑब्जेक्टिव बताओ मेन, कोई भी बता सकता है, नियति आप बताओ, एक तो अनफॉर्चुनेट एक्सपेंसेस और लॉसेस को मेट करने के लिए, मीट करने के लिए, हाँ एज अ डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन हो गई, बट पर्पस नहीं, बाकी बाद में करेंगे, ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया, इट्स कि ये फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है, एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक हो गई। बट हम क्यों करेंगे, एक तो हमने बताया कोई भी फ्यूचर में अनफोर्सिन एक्सपेंस हुआ उसको मीट करने के लिए, दूसरा फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। क्रिएट करने का पर्पस दो होते हैं, बेनिफिट ये होते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथेंड हो जाती है,
इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड लेटर ऑन एज अ डिविडेंड जब प्रॉफिट ना हुआ हो, ठीक है। मगर बनाया हम किसलिए जाते हैं, या तो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या अनफॉर्चुनेट एक्सपेंसेस के लिए, फ्लड से कोई लॉस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, उसको पे करना पड़ गया, यूज करना पड़ गया, अनफॉर्चुनेट एक्सपेंसेस मेट करने के लिए। बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज ये खुद कर लेना, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। 41, 280 and 20, 640 इज इट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? पक्का? तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, मेरे पीपीटीज और मेरे नोट्स एग्जैक्टली सेम तरह के क्वेश्चंस है उसके अंदर, जो आपको पीडीएफ शेयर करी है और पीपीटी के अंदर क्वेश्चंस। तो आप इसके 1, 2, 3 नेक्स्ट 3 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, बट हम भी क्लास में ही करेंगे वैसे, बट आप अगर करके आए तो आई वुड बी हैप्पी, ठीक है? श्योर? क्या क्वेश्चंस की फोटो मैं इसको कर देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ उसमें है, अगर सिर्फ तूने सोल्ड नहीं किया, कॉपी नहीं किया, ओके। आज मैंने शेयर किया पूरी की पूरी पीडीएफ, उसके अंदर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। बोलो बालिके, so hello students, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on daily basis. और जरूर रोज कुछ ना कुछ सीखो, क्योंकि जब हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हो तो आप एक बेटर इक्विप्ड पर्सन बनते हो टू डू सम ग्रेट थिंग्स। तो ये वाला क्वेश्चन था जो आज हम कर रहे थे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कंटिन्यू। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 53 एंड 33 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे देंगे। बेस अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 2500, अगेन देयर इज नो इशू, पीक ऑफ सैलरी दे देंगे 2500 पर मंथ एनुअल सैलरी। ड्यूरिंग द ईयर 2011 एंड 12 यानी कि 31st मार्च 2012 का होगा, द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक तो है? प्रॉफिट हमेशा बिफोर एप्रोप्रिएशन ही होना चाहिए, ठीक है, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ये तो गलत बात है। प्रॉफिट लिखा हुआ आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर की सैलरी जो होती है वो क्या होती है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होती है, ठीक है। तो उसके बाद नेट प्रॉफिट थोड़ा ना होगा, नेट प्रॉफिट तो बिजनेस का उससे पहले वाला होगा। तो 12,500 के अंदर हम ऐड कर देते हैं बी सैलरी, कितने सैलरी ऐड करी हम लोगों ने? 2500, 15,000 आया। मगर लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन, जो मैनेजर कमीशन, जो मैनेजर को कमीशन दे रही है वो तो क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट थोड़ा ना, वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अरे भैया मैनेजर कमीशन के बाद जो प्रॉफिट होगा वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, इज इट क्लियर? तो याद रखना हमेशा नेट प्रॉफिट क्या होगा? आफ्टर चार्जेस बिफोर एप्रोप्रिएशन। अगर उल्टा लिखा होगा तो एप्रोप्रिएशन वाली चीजों को ऐड कर देंगे और चार्जेस वालों को माइनस कर देंगे। तो लेस मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन कितनी है? 5%, तो 14,250 rupees, इज इट क्लियर? डन। अब आगे का क्वेश्चन इजी था, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, मेन चीज यही थी जिस पे आपने एम्फसाइज करना था, टू प्रॉफिट, सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए एंड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा?
6% of 50,000, that would be 3,000. And 1800, it would be 4,800. And salary to be salary, it was 2,500 rupees. Aur baaki ka jo profit bacha, first capital account. A and B, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. आई होप इट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू. जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया एक बार मैं बता दूं, मैं नेति आपने लेट ज्वाइन किया, ये पहली बार कहीं था आपके पास, क्योंकि जूम होना चाहिए. फिर ऐप से जैसे आप लिंक क्लिक करोगे आपका जूम वाला विंडो अपने आप ओपन हो जाएगा. इट टेक हार्डली 15 सेकेंड. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो स्पेशल पॉइंट था बस कुछ यही वाला था जिस पे मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको नेट प्रॉफिट एक्यूरेट पता होना चाहिए. और प्रॉफिट हमेशा किसके बाद होता है, अरे सॉरी, प्रॉफिट इज ऑलवेज आफ्टर चार्जेस. And this profit is always before appropriation. ये जो profit होता है हमेशा किसके बाद होता है, after charges and before appropriation. Is it clear? पक्का? मगर अगर हमें before लिखा हो यहां पे तो उसे क्या करेंगे, less. और यहां पे after लिखा हो जैसे आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो उसे क्या करेंगे, ऐड. व्हाट वुड बी द सीक्वेंस, पहले एप्रोप्रिएशन वाला ऐड करेंगे, बाद में चार्ज वाला लेस करेंगे. तो यहां पे मैं नेट प्रॉफिट दिया मतलब 12,500, मगर आफ्टर चार्जिंग भी सैलरी था, यानी कि आफ्टर एप्रोप्रिएशन था, तो उसे हमने क्या किया, ऐड किया. फिर लिखा था प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन, यानी कि मैनेजर कमीशन अभी लेस नहीं कर रही थी, बिफोर मैनेजर कमीशन था तो उसे लेस. याद रहेगा पॉइंट, आफ्टर चार्ज ही था फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बिफोर है तो उसे लेस करेंगे. बिफोर एप्रोप्रिएशन है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया तो उसे ऐड करेंगे. मैं अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले इसी पॉइंट पे बच्चों को जज करूंगा, उन्हें नेट प्रॉफिट निकालना आता है, बाकी तो वो आराम से कर लेंगे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी सैलरी बाय इंटरेस्ट ऑन रॉइंग. इज इट क्लियर, डन. हाँ, अब 14,250 में से हमने क्या दे दिया, 4,800 एंड 2,500 ये लेस किया 14,250 में से. 12, कितना आ रहा है, आर यू श्योर, बुद्धू इंसान मेरे को गलत करवा रहा है. 950, 8, 6, 6950, 14,250 में से ये लेस कर दिया. ठीक है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन विच रेशियो, 3:2. तो 6950 को 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले इसको 5 पार्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं. 51390 अभी आ रहा हूं मैं उसमें, जो 3 मंथ्स का निकालेंगे, 3 इसका देंगे वो क्या होगा, into 2, 2780 into 3 4170 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अगर आपको गिवन दिया होता तभी करते, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टाइम पीरियड ना गिवन दिया हो तो क्या होता है, 6 महीने का. ले रहे हैं पक्का? सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन सिंपल है, आई एम टेलिंग यू इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. द
ओनली रीजन मैं इस क्वेश्चन को पिक कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही रीजन है इस क्वेश्चन को पिक करने का, इस पे जो प्रॉफिट का डिविजिबिलिटी है वो एक पर्टिकुलर रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पी क्यू एंड आर आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, एज ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल वर रुपीज 40,000, 30,000 एंड 30,000। Q is entitled for a salary of 6,000 and R for 4,000. Payable before division of profit, obviously. Interest on capital is 5% per annum and is not charged on the interest on drawing. ठीक है? तो यहां तक इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था जिसके लिए हम दोबारा इसको क्लास में करें। मगर अगला पार्ट इसमें लिखा हुआ है ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? जो आफ्टर एप्रोप्रिएशन पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कह रहे पहला 50%, जो पहला 50 सॉरी उल्टा बोल गया, पी विल गेट अ 50% ऑफ फर्स्ट 10,000, 10,000 यानी जो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका पहले 10,000 रुपए का 50% किसको मिलेगा? पी को, क्यू को 30%, आर को 20%। उस 10,000 से ज्यादा जितना प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स को कैसे मिलेगा? इक्वली। ऐसे दो कॉम्बो भी दे सकते हैं, तीन ब्रेकअप भी दे सकते हैं। कैटिंग माई पॉइंट, समझ लो बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया 16,000 रुपए, जो इसमें आएगा कितना प्रॉफिट अर्न किया? डिविजिबल प्रॉफिट है 16,000। अब 16,000 का जो फर्स्ट 10,000 है उसमें से पी को तो देंगे 50%, क्यू को देंगे 30%, और आर को कितना देंगे? 20%। पहले 10,000 का, अब टोटल प्रॉफिट तो डिविजिबल प्रॉफिट तो आया, एज्यूम कर लो 16,000, उसमें से पहले 10,000 तो मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो बाकी के 6,000, बाकी के 6,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। नेक्स्ट 6,000 इक्वली, यानी कि इन्होंने एक तरह से बोल दिया कि जो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहले 10,000 रुपए हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3:2, उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट है वो क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अगर सिर्फ प्रॉफिट 5,000 का होता तो वो सिर्फ 5:3:2 में बैठता, क्योंकि 10,000 है ही नहीं, 10,000 से कम होगा तब भी 5:3:2 में होगा। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द ओनली पॉइंट जो इस क्वेश्चन में था, बट एक जगह और गलती कर सकते हैं मेरे बच्चे। मुझे बताओ जितना मर्जी मैं एम्फेसाइज करूं गलती तुम उस पॉइंट पे कर सकते हो। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कितना नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें, नियति आप बताओ, नीति कथुरिया, अब नीति यादव भी बोल सकती है, कितना नेट प्रॉफिट है? अरे द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी। Why? आप कह रहे हो प्रॉफिट है पार्टनर की सैलरी देने के बाद, इट इज रॉन्ग। हमेशा क्या चाहिए हमें? बिफोर एप्रोप्रिएशन। सो बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी था, कितनी सैलरी थी? क्यू और आर की 10,000। अरे सॉरी, आफ्टर क्यू आर सैलरी 21,000, ऐड करेंगे सैलरी, क्योंकि सैलरी इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। आगे क्वेश्चन लीजिए, यहां पे पहले ऐड करिए फिर यहां पे देख के दिखाएंगे। कई बार बच्चे कहते हैं सर
शो ही ना करो, ना 10,000 जहाँ पे ऐड करो ना 10,000 जहाँ पे दिखाओ, आंसर तो सेम आएगा। बट अकाउंट्स का पर्पस ही क्या होता है? टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देना। तुम कैसे बताएंगे कि और आपकी कितनी सैलरी है? तो टू पार्टनर सैलरी, पी ओ क्यू एंड आर 6,000 एंड 4,000 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी क्यू आर 5% ऑफ 40,000 2,000 1,500 एंड 1,500 इट इज 5,000। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी क्यू आर किस तरीके से करना है? यहां पे देखो 31 में से 15 गया, कितना बचा? 16,000। तो 16,000 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जब उत्तर मैं समझा नहीं डायरेक्ट का मतलब। हाँ वर्किंग नोट अगर आप बनाई है तो आप डायरेक्ट भी उसे लिख सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पे भी शो कर सकते हैं अगर वर्किंग नोट नहीं बनाए हुए तो। फर्स्ट 10,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 5,000 3,000 2,000 तो 16,000 में से फर्स्ट 10,000 तुमने 5:3:2 में कर दिए, यानी कि पहले 10,000 का 50% पी को दे दिया, 30% क्यू को और 20% आर को, मगर कुल प्रॉफिट तो 16,000 था। और नेक्स्ट 6,000 हम लोगों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कितना हो गया पी का 7,000, क्यू का 5,000, आर का 4,000। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसमें एक और लाइन है जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे लिखा हुआ है पार्टनर्स हैव ड्रॉन 10,000 ईच ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बेटा इन द एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट जो भी पैसा हम निकालते हैं वो ड्रॉइंग्स ही होती है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। द पार्टनर्स हैड ड्रॉन 10,000 ईच ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यानी कि 10,000 की उनकी क्या है? ड्रॉइंग्स है। इज इट क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड में कि 10,000 पे हर व्यक्ति निकाल रहा है वो ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स और ना इसमें आएगी अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होती तब आती, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा तो ड्रॉइंग्स कितनी दी हुई है? 10,000 रुपए की। पूछो पक्का सर, इसका एक बार दोबारा मीनिंग समझा दो, ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी और इंटरेस्ट का। यही बताया था मैंने, दोबारा एक बार सुन लो। मैं इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट में बना लेता हूँ, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। मैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना ही देता हूं, हमें बनाना भी था वैसे,
एक सिंपल से लिखा हुआ है कि फैक्टर्स ना, उन्हें सैलरी मिलनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना और प्रॉफिट मिलना है, ठीक है, इसलिए वो 10-10 हजार रुपये बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि वो ड्राइंग्स कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ इन द एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट आई एम विड्रॉइंग फ्रॉम बिजनेस ₹10,000, ये अदर वर्ड्स में बोल रहा हूँ, दूसरी यानी कि दूसरे शब्द में बोल रहा हूँ, ड्रॉइंग्स 10,000 रुपए की है। क्योंकि ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग इज द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इन द एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। सो मेरे को एंटीसिपेट कर रहा हूँ, मेरे को इंटरेस्ट तो मिलना ही है, सैलरी भी मिलनी है और प्रॉफिट भी मिलना है, चलो अपने पर्सनल यूज के लिए 10-10 हजार रुपये हम बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं। यानी कि इसको डायरेक्ट बोलने की बजाय कि देयर इज अ ड्रॉइंग ऑफ 10,000 ईच, इस तरीके से बोल दिया। इज इट क्लियर? पक्का? कई बार ऐसे बोल देते हैं, अलोंग विथ सैलरी एक्स, ऐसे बोल देंगे जैसे एक्स विड्रॉ अलोंग विथ सैलरी ₹10,000, तो उसकी ड्रॉइंग क्या होगी, 10,000 प्लस सैलरी। जो सैलरी विड्रॉ कर रहा है वो भी क्या, उसकी ड्रॉइंग्स है, वो भी क्या, उसकी ड्रॉइंग्स। क्योंकि सैलरी पहले हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, फिर वो विड्रॉ कर रहा है तो उसका कैपिटल कम हो रहा है, पहले सैलरी दे देंगे फिर विड्रॉ करेंगे ड्रॉइंग्स के नाम से। इज इट क्लियर? पक्का? नीति क्लियर हुआ है बेटा? हाँ जी सर। ओके, ये बढ़िया है। कल दोनों एक साथ बैठ गए थे, आज दोनों ऑनलाइन आ गए। अबुल मलिक के क्या कहना चाहती है? ये कह रहा है सैटरडे तो सर आपने देना ही नहीं है, तो भी ये मेरा कंट्रीब्यूशन रख लो पार्टी की तरह मिल जाएगी P Q R पर्टिकुलर्स। सर्किट सबसे पहले बाय बैलेंस, ब्रोड डाउनवर्ड। सो बाय बैलेंस ब्रोड डाउनवर्ड इज 40,000, 30,000 एंड ₹30,000, इट्स अ बाय बैलेंस ब्रोड डाउनवर्ड। फिर बाय सैलरी कई बार, कभी कभी किसी किसी स्कूल में टीचर बोलता है यहाँ पे बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन करो, झगड़ा नहीं करना, आप लिख देना ब्रैकेट में सैलरी, बट प्रेफर क्या करना आपने एग्जाम में, सैलरी लिखना बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, 1,500, 1,500। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 7,000, 5,000, 4,000। मैं बैलेंस नहीं कर रहा, वो आप कर देना। और जो ये लाइन लिखी हुई थी, पार्टनर्स आर ड्रॉन 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ द सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, वो सिंपल हमने डायरेक्ट लिख दिया 10,000, 10,000, 10,000 टू बैलेंस कैरी डाउनवर्ड। अकाउंट्स बैलेंस करने आते हैं ना सबको, 12th में आ चुके हो वैसे, तो कर लेना। श्योर? कम द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट खींच ले, ठीक है, और मेरे को हर रोज याद दिला दिया करो कि स्क्रीन ये शीट पहले मैं साइमल्टेनियसली भेज दूँ, याद दिलाते नहीं, बस हाँ हाँ बोलते रहते हो। इज इट क्लियर? हाँ, बट उसके बारे में सोचते ही नहीं, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, अब 12th में है ही नहीं सोल प्रोप्राइटर, हाँ उसमें से माइनस हो जाती है। जैसे 11th में हम क्या करते थे, कैपिटल में से लेस कर देते थे बैलेंस शीट में,
जब अपन सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, कैपिटल से माइनस ही हो रही है। ठीक है, ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी सिर्फ एक वजह से करवाया है, सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। सिर्फ एक लाइन की वजह से इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, अदरवाइज मैं करवाता ही ना। इनफैक्ट ऐसे करते हैं, इसी पॉइंट को समझा देता हूँ बस, बाकी तो कर लोगे। यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ए हैज ड्रॉन 10,000, यानी कि ए की ड्रॉइंग्स कितनी हुई, 10,000 रुपीज की। और लिखा हुआ है एंड बी एंड सी एन एडिशन टू दियर सैलरी हैव ड्रॉन 2,500 एंड 1,000 रिस्पेक्ट। बिल्कुल, यानी कि ए की ड्राइंग तो डायरेक्ट हो गई 10,000 रुपये, ड्राइंग ऑफ ए 10,000, प्रीवियस क्वेश्चन में इसी के बारे में बात कर रहा था। बी के बारे में और सी के बारे में लिखा हुआ है कि सैलरी के अलावा इन्होंने 2,500 एंड 1,000 विड्रॉ करे, यानी कि ड्राइंग ऑफ बी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2,500 प्लस सैलरी, कितनी थी सैलरी, 5,000, तो बी की ड्राइंग होगी 7,500, बाकी क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं आएगा। एंड ड्राइंग ऑफ सी वुड बी 1,000 विड्रॉ कर रहा है प्लस सैलरी विड्रॉ कर रहा है, दैट इज 5,000 रुपीज 6,000। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही खास बात है, तो डेट्स व्हाई हम इस क्वेश्चन को पे को नहीं कर रहे, ये आपके लिए होमवर्क। एक क्वेश्चन तो बनता है होमवर्क, ठीक है, तो दिस इज होमवर्क फॉर यू। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे स्किप कर दे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ड्राइंग वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसपे गलती हो सकती थी वो मैंने डिस्कस कर लिया है। कुछ पूछना चाहते हो गर्वित? ओके, अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन के बारे में, पार्टनर्स के कमीशन के बारे में आ, पार्टनर को कमीशन हम तीन तरीके से दे सकते हैं। पार्टनर कमीशन, तीन तरह से नॉर्मली अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ सकती है। एक हो सकती है पार्टनर कमीशन इज अ एप्रोप्रिएशन, सिर्फ तभी मिलेगी जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये भी क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हाउ वी आर गोइंग टू बी कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक हो सकता है पार्टनर्स कमीशन परसेंट ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स के ऊपर, किसी पार्टनर को अगर हमने सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है तो हम बोल सकते हैं जितना भी फर्म का टर्नओवर होगा उसका 2%, 3%, 4-5% तेरे को मिलेगा। इज इट क्लियर? परसेंट ऑन टर्नओवर, टर्नओवर क्या होती है, बिजनेस की नेट सेल्स। इज इट क्लियर? ये वाला कॉन्सेप्ट एक तुम लोगों ने 11th में दोबारा किया हुआ है, बट स्टिल आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी तुम्हें इसको रिवाइज करवाने के लिए। एक हो सकता है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दूसरा हो सकता है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, नहीं नेट डिविजिबल प्रॉफिट ले रहा हूं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दूसरा हो सकता है परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
इधर मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो है ये होता है नेट प्रॉफिट। तो अगर कमीशन और नेट प्रॉफिट लिखा है तो इस पे देना है, और ये होता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। ज्यादातर लिखा होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल, आफ्टर सैलरी इंटरेस्ट वगैरह, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर ही लिखा होता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? लेट अस सपोज पार्थ इज माई मैनेजर या पार्टनर है मेरा। पार्थ को बोला जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% मैं तुझे दूंगा एज ए कमीशन। हमने प्रॉमिस किया है पार्थ के साथ बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% किसको मिलेगा? पार्थ को। अब यहां पे हो गया झगड़ा। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 22,000 का। पार्थ कह रहा है ये डिविजिबल प्रॉफिट हुआ 22,000 का। पार्थ कह रहा है मेरे को 2,200 दो। मैं कह रहा हूं पार्थ आपका बनता है 2,000 रुपये। एक्चुअली दोनों ही अलग अलग एस्पेक्ट में सही है। पार्थ इसके ऊपर निकाल रहा है 22,000 का 10%, यानी कि ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बट अगर पार्थ 22,000 का 10% निकालता है तो 2,200 तो इसको हम दे देंगे, तो डिविजिबल प्रॉफिट बिजनेस के लिए क्या बचा जो बाकी सारे पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 19,800। यस और नो? तो मैं बोलूंगा पार्थ हमने तो बोला था डिविजिबल प्रॉफिट, बट वो 19,800 के हिसाब से तेरे को ज्यादा मिल गया। तो अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं, अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं 10% ऑफ 22,000, इट्स मीन ये हमारा ये वाला केस है नेट डिविजिबल प्रॉफिट बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इज इट क्लियर? दूसरा केस है, डोंट वरी पेट है पर्स, ओके, परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, परसेंट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोला मैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि भैया कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% देना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 10% है तो 10/110 कर दो, यानी कि इसके अंदर 100% का प्रॉफिट इंक्लूड है, 10% की कमीशन भी, तो 10/110 ऑफ 22,000 करेंगे तो कितना बनेगा? 2,000 रुपये, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, यानी कि इस प्रॉफिट के अंदर मैं कह रहा हूं कमीशन इंक्लूड है। इसमें से कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसको कैलकुलेट करने की ट्रिक करनी, तो इक्वेशन बना लो। लेट अस सपोज नेट प्रॉफिट इज X% प्लस 10% ऑफ 10% की कमीशन है, X इज इक्वल टू 22,000। ऐसे सोल्व करोगे तब भी आएगा बट बड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम सीधा सीधा कंसेप्ट रखेंगे, जब भी आफ्टर आएगा डेनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कर लो। और देखो अगर 22,000 में से 2,000 का प्रॉफिट दे दिया, कमीशन दे दी, कितना नेट प्रॉफिट बचेगा? 20,000। ये नेट प्रॉफिट क्या आया? कमीशन देने के बाद 20,000 का 10%। इज इट क्लियर? पक्का? क्लास 11 में आपने इसका बहुत अच्छे से किया था मैनेजर कमीशन के केस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन, राइट इट डाउन विद द स्पेशल नोट, अच्छे से हाईलाइट करके नोट करो। इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन वेदर द कमीशन इज ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इफ इट इज नॉट मेंशन इन क्वेश्चन वेदर
कमीशन इज कमीशन ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट कमीशन ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देन वी शुड कैलकुलेट इट पहुंच गए लिखा। देन वी शुड कैलकुलेट इट ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब भी होता है आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन तो कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यानी कि 5% लिखा हुआ है क्वेश्चन 5% लिखा तो हम करेंगे 5/105 15% है तो 15/105 और 115 आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यानी कि उस केस पे हमें ये वाला केस करना है। इज इट क्लियर? क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ही होता है आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन एंड मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन इज आल्सो एप्रोप्रिएशन। ओके गुड तो अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना लोगे वो डायरेक्ट होता है सीधा ये करवा देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2009 देयर कैपिटल वर रुपीस 15 एंड 30 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010 दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीस 50,000 तो नेट प्रॉफिट इज 50,000। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम इट वुड बी 3,000 एंड 1800 4,800 ए विल गेट अ 2% कमीशन ऑन टर्नओवर। टर्नओवर क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख का सेल्स जाने की टू कमीशन ए को मिल रही है 2% ऑन टर्नओवर दैट वुड बी 6,000 2% ऑफ 3 लाख 6,000। बी विल गेट ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ टू बी सैलरी 500 पर मंथ मीन 512 6,000। We will get a commission of 5% on profit after deducting all expenses, including such commission. Even though यहाँ पे profit बोला है, but क्या बोला? After deducting all expenses, including such a commission. यानी कि divisible profit पे देना है. इस पे देना है. So 50,000 का था. इसमें से 6,000, 4,800 और 6,000 की एक ही commission. Total 16,800 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 50,000 का नेट प्रॉफिट था। पार्टनर्स को क्या दे चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800 का बी को सैलरी दे चुके हैं 6,000 रुपए की और कमीशन दे चुके हैं ए को 6,000 रुपए यानी कि 50,000 में से ऑलरेडी 16,800 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कितना बचा हमारे पास 33,200। सो अब बी को कमीशन देनी है 5% ऑन दिस प्रॉफिट। इज इट क्लियर?
बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिकॉज इट इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, हम क्या करेंगे, 5/105। ₹1033.67 आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करना जल्दी से। बी को सैलरी मिली और बी को इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिली 1533, इकट्ठे लिखिए 6533। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:1 में, एब्सोल्यूट वैल्यू से लिखना यानी कि अप्रोक्सीमेटली लिख लेना, डेसिमल को राउंड ऑफ कर देना। और ये कैलकुलेटर से 1580 समथिंग आ रहा है। सही कह रही है बच्चे, कितना आ रहा है, 1580.9 1581 ही हो गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लग रहा था ये फिगर आनी चाहिए, 1580 समथिंग आ रहा है, तो 1581 7581। तो बाकी ने कैसे निकाला, ले रही है क्या चीज, 53 में से हम लोगों ने सारी चीजें लेस कर दी। तो 53 में से सारी चीजें लेस करी हमने, 4800 6800 हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ गया उसका 5/105। तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई थी, उसको अब कर लेना। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे या पूरा करो, लिख ही देता हूँ एक बार, डिस्ट्रीब्यूट कर देना 9/1। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता तो उसे इग्नोर करते, क्या पुत्र, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता तो उसे इग्नोर करते, इंटरेस्ट इन ड्राइंग होता तो वो उसका डेफिनेटली ऐड, हाँ नेट प्रॉफिट पे ऐड होता है। इतने सारे क्वेश्चन के बाद कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, तेरे पीछे से शोर आ रहा है माइक बंद कर। ओके, जो 5300 रुपीज है अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता, हम पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इंक्रीज कर देता है, उसको ऐड करके जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर बचता है उसमें निकाल के दे रहे हैं कमीशन। व्हाई यू आर गेटिंग कंफ्यूज, जैसे मैनेजर कमीशन निकालते थे, क्रेडिट और डेबिट का जो डिफरेंस आ रहा है, पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे उसके ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। श्योर, बस नाम कमीशन है इसलिए घबरा रहे हो, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो कितना आ रहा था ये तो मेरे को फिर तुमने भुलवा दिया, 7/5/1/8 आ रहा है, 3/5/6/1/9 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी 3/4 of 35 6/1/9 1/4 of 35 6/1/9। इज इट क्लियर किड्स, श्योर। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, राइट इट डाउन, फोटो खींच लेना, नोट्स के अंदर है, रिपा रिमी और रिमी और रीमा वाला। इस क्वेश्चन में खास क्या है मैं बता दूं, रिपा रिमी एंड रीमा आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू विड्रॉ 700 पर मंथ, अप टू 700 पर मंथ। ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ रिपा रिमी एंड रीमा विड्रू 700, 600 and 500 respectively।
अपनी मर्जी के हिसाब से डिसाइड करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर फिक्स्ड एट 8% पर एनम एंड 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन सॉरी ड्रॉइंग 10% पर एनम है, जो एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, कब कर रहे हैं, एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ है तो कितने मंथ का इंटरेस्ट रहेगा, 6.5 मंथ्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला वीडियो देख ली बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 75,000 था, जिसमें से 23,000 हमने ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व। रीनी एंड रीमा आर एंटाइटल्ड टू द रिसीव अ सैलरी ऑफ ₹3,000 and ₹4,500 रिस्पेक्टिवली, एंड रीपा इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी कि सारे एप्रोप्रिएशन के बाद जो बच रहा है, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी दे देंगे उसे। तो डेट्स एक सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और साथ में सैलरी भी है और कमीशन भी है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन बन जाता है। 1 अप्रैल के आपको बैलेंसेस गिवन दिए हुए हैं, अगेन आई थिंक आप सोल्व कर सकते हो, एक्सटेंडेड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ओके, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने डिजाइन किया हुआ, ये मेरा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे टीचर्स देते हैं, जब अच्छे टीचर्स देते हैं, नीति ध्यान से समझियो, गुरसिमरन जैसे टीचर्स देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में खास बात थी, एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 दिसंबर, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 दिसंबर 2021 को, अकाउंट क्लोज कब होंगे, 31 मार्च को, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने का पीरियड का बन रहा है ये। उनका कैपिटल दिया हुआ है, 1 जनवरी को लोन दिया है एक्स ने, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 10% पर एनएम है, एग्रीड है तो डेट्स ऑफ 6% की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि पार्टनर से एग्री किया हुआ है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रेंट मिलेगा 2,000 पर मंथ, तो ध्यान रखना 4 महीने का है क्योंकि बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, 1 दिसंबर, और हमारा अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होता है, 31 मार्च को। तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अब क्या करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो 31 मार्च तक का हिसाब मांगेगा हमारे से, तो इट ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ फाइनेंशियल ईयर अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो, क्लियर है। तो 4 महीने का हमें इंटरेस्ट, 3 महीने का इंटरेस्ट लोन कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, 4 मंथ्स का रेंट कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारा अगेन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पे से लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज 10% पर एनम, टाइम पीरियड ध्यान रखना 6 महीने का निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एस चार्ज, एस चार्ज का मतलब है देना ही देना है रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बट इसके लिए ये नहीं कि पीएनएल में दिखाएंगे, दिखाएंगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही। मैनेजर विल कमीशन गेट ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये भी क्या है, चार्ज। तो दिस इज अ फेवरेट क्वेश्चन, चलो मेरा बन गया, विदाउट चीटिंग एंड विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, ठीक है, एआई की हेल्प लिए बगैर ये वाला क्वेश्चन जो सोल्व करके आया उसे क्रैकल्स मिलेगी, ठीक है, पक्का। तो दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन जो सोल्ड करके आया क्रैकल, और मैं एक डब्बा मंगवा के रख रहा हूँ चॉकलेट्स का, क्योंकि तो देनी पड़ेगी बहुत सारे, ठीक है। तो ऐश करो, एंजॉय करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, यू कैन ज्वाइन इमीडिएटली जल्दी से। एनी डाउट टू एनीवन, नियति पार्थ एंड नियति यादव, कोई डाउट बच्चे, नो पार्थ पुत्र कोई डाउट, सर, नियति, नो सर, ओके, फैंटास्टिक, बाय बच्चों, टेक केयर।